जो लोकल स्कूल जाना है ना, तो हल्का खेल भी कहीं ना हो जाए बड़े होकर। डॉक्टर और आप तो वॉक बड़ी अच्छी करते हो, कैट वॉक बहुत अच्छी होती है आपकी, तो डॉक्टर बनोगे साथ में क्या मॉडलिंग भी करोगे? नहीं ये शौक ही है, ये शौक चार पाँच साल में करते। कैसे हो? हंस के बताओ जरा, हंस के बताओ। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हो? दंत कांति। अच्छा आपने ना एक ऐड करनी है, एक ऐड करनी है, सुनो जरा, ऐड करनी है। मेरे दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, कौन सा ऐड कैसे करोगी बताओ? मेरे दांत मोतियों जैसे चमकते हैं, कॉलगेट का बताया ना आपने, बताओ। शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए जोर। हाँ हाँ शाबाश शाबाश, इसके लिए जोरदार तालियां, शाबाश। जिसे करते हैं आप प्यार और लाना चाहते हैं मंच पर बार बार, राकेश कुमार, राकेश शर्मा। पर चांद खुदा का गदर, ये तुम किसी और की हो, तुम मुझे तुम मुझे भूल जाओ। राकेश शर्मा पगेड़ वाले का मतलब खेल से प्रदेश से नवदाए एंड अ शो चली को चली को आके दे हैं और मुझे को आके दे हैं और जो आपके लिए हर साल आए सेमेस्टर का देश कहते हैं जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी के प्यार के लिए लगातार छह सालों से इस अभ्यास को प्रतियोगिता में आप सभी के मन को लुभाने के लिए, आप सभी के प्यार के लिए या आप गांधी के लोगों को बनाने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर केवल मेरे यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है और इस प्यार नरेंद्र जी के जितने भी सदस्य हैं मुझे तहे दिल से याद करते हैं, मैं इसलिए यहाँ पे आता हूँ। जब तक प्यासपुर का नाम प्यासपुर नहीं रखा जाता तब तक मैं आता रहूँगा। नंबर आपका मैं इसको नंबर कहूँगा, उस सब लोगों ने मैंने इसलिए इसको निश्चित लगाया हुआ है क्योंकि बिलासपुर के जितने भी ऑडियंस हैं और इसको जो है निश्चय जब तक इसका नाम जो है बिलासपुर नहीं रखा जाता, बिलासपुर नहीं रखा जाता तब तक मैं इस टैग को यहीं पे लगाऊंगा। परिणाम ओके। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको व्यासपुर का एम्बेसडर बना दिया जाए तो आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश सबसे पहला यही होगा कि व्यासपुर का नाम व्यासपुर रखना चाहिए। आपकी पढ़ाई पूरी होगी? हाँ जी मैम पढ़ाई होगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप मजदूरी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, है ना? आपने बहुत मेहनत की है तो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। आप मुझे महत्व है शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? एजुकेशन का जीवन में बहुत महत्व है, अगर इस माता को समझे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि ये हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी है। राकेश कितना पढ़े लिखे हो आप? मेरी बीए ग्रेजुएशन है 8th में। देखा मजदूरी करते हुए देखा है, छोटे छोटे काम करते हुए देखा है, अपने परिवार को पाते हुए देखा, लेकिन पैशन है इसका नहीं हो जाता।
और कब आप राकेश को यहाँ से बाहर करना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सरकार से निवेदन करिए, नहीं तो राकेश नहीं जाने वाला। ओके राजू, और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आना चाहूंगा अपने पाकिस्तान को शानदार जी के साथ निशान जी, प्रवीण जी आइए प्लीज आगे तक चलते हैं। एक बार कब मेरे एक बार फिर से क्लास के लिए तमाम ऑडियंस से बिल्कुल खुश हूँ।